गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लास। टुडेज टॉपिक इज रैशनल नंबर फॉर ग्रेड 7 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू एक्सरसाइज 4D। लेट अस स्टार्ट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द नंबर। फर्स्ट पार्ट है 5। इनवर्स मतलब जो साइन के साथ वो नंबर है उससे ऑपोजिट साइन लगा देना। यहाँ पर जैसे 5 के आगे प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन है, तो यहाँ पर आंसर में क्या आ जाएगा, -5। ठीक है, यहां सिमिलरली यहाँ पर आपके पास -9 है। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -9 विल बी ऑपोजिट साइन हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, तो ये आपका +9 हैज आंसर। ठीक है, सिमिलरली 3/14 है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हो गया, 3/14 प्लस के थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3/14, एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/14। नेक्स्ट वन इज -11/15। -11/15 है तो इनवर्स क्या होगा, 11/15 एज आंसर। नाउ सेकेंड वन, मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर देखो सेम है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था या प्रीवियस लेसन में, फ्रैक्शंस के लेसन में किया था, 3/4 फ्रॉम 1/3। अब मैंने आपको पहले भी बेटा समझाया है जिस नंबर के आगे फ्रॉम लगाए, ठीक है, फ्रॉम के आगे क्या नंबर है, 1/3, दैट मीन्स ये 1/3 आपको पहले लिखना है। ठीक है, 1/3 सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का साइन लगा दिया एंड उसके बाद 3/4 आपका नेक्स्ट वाला नंबर है। ठीक है, अब ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक रैशनल नंबर्स हैं, इसका हमने क्या ले लिया, एलसीएम, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि कोई भी कॉमन नंबर नहीं जिसे कट सके, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12, एलसीएम आ गया आपके पास। ओके, अब उसके बाद हमने क्या किया, कॉमन डिनोमिनेटर हमारे पास 12 चाहिए, फाइन, तो पहले क्या किया, 12 को 3 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर से कर दिया, सिमिलरली 12 को 4 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई 3 से कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, 12 को 3 से डिवाइड किया तो आपके पास 4 आया, 4 को 1 से किया तो 4 × 1 = 4, यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से 12 को 4 से किया तो 4 × 3 = 12 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाना था, 3 × 3 = 9, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 9। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, 4 − 9 कर दिया, 4 − 9 क्या होगा, 5, और साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का साइन लगता है, जो बड़े नंबर के आगे जो साइन है माइनस का है, 9 जो है बड़ा नंबर है, तो -5/12 एज आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2, -8/9 फ्रॉम -3/5। अब फ्रॉम किसके आगे लगा है, ये वाले नंबर के आगे, सेकंड पार्ट के आगे, -3/5 के आगे फ्रॉम लगाए, तो साथ में क्या है, माइनस का साइन है, तो आपने क्या लिखा, -3/5 पहले लिख दिया, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, फिर माइनस का साइन लगा दिया, सब्ट्रैक्शन में माइनस का साइन होता है, उसके बाद 8/9 के साथ क्या साइन है, माइनस का, ये दोनों ही -8/9 लगाओगे और इसको क्या लिखोगे, इन ब्रैकेट के अंदर कर दोगे, लिख दोगे इसको। ठीक है, अब जब हमने ब्रैकेट ओपन करी तो ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या नंबर आ गए, -3/5 + 8/9, फाइन। अब इनको हमें सॉल्व करना है, 5 और 9 का हमने एलसीएम ले लिया, इनका कोई भी कॉमन टेबल नहीं था, सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई, दैट इज 5 × 9 = 45 होते हैं। नाउ आपने क्या किया, यहां पर मैंने डायरेक्ट लिखा, देखो 45 को पहले 5 से किया डिवाइड, तो 5 × 9 = 45 होते, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 9, और मल्टीप्लाई किसे करना, न्यूमिरेटर से, -3 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली 45 को 9 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 5 = 45, तो यहाँ पर जैसे हमने 5 लिख दिया है। ठीक है, 5 लिखा और मल्टीप्लाई किसे करना था, 8 से, सो यू आर गेटिंग, आगे आंसर में क्या आया, 9 × 3 = 27, माइनस के प्लस 8 × 5 = कितने होते हैं, 40, वो प्लस के आगे। ठीक है, अब एक साइन प्लस का एक साइन माइनस का, मतलब माइनस करना है। ठीक है, माइनस करना है तो आपके पास 13 आ जाएगा, साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, दैट इज 13 के आगे प्लस का साइन है, 13/45 एज आंसर आ गया। नाउ इसका पार्ट 6 देखिए, सब्ट्रैक्ट करना है 13/9 फ्रॉम 0। ठीक है, अब
पहले क्या लिखा है, जीरो, तो पहले नंबर आपने जीरो लगा दिया फ्रॉम के आगे, जीरो उसके बाद माइनस करना था, अब उसके बाद आपके माइनस 13/9 एज इट इज ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस 13/9। नाउ यू विल बी ओपनिंग द ब्रैकेट, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा 13/9। अब जीरो प्लस 13/9 क्या होता है, सेम आंसर आता है, जीरो में कोई चीज प्लस या माइनस करो यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर, तो आपके पास 13/9 एज आंसर आ गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट, इवेल्युएट करना है आपको, क्वेश्चन दे रखा है 3/4 - 4/5, तो यहां पर हमने इसका सोल्यूशन कर दिया 3/4 - 4/5, 4 और 5 का कोई भी कॉमन टेबल नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 4 5 20 एस एलसीएम आ गया। अब 20 डिनोमिनेटर चाहिए हमें, ठीक है, तो क्या किया, 4 पहले 20 को 4 से डिवाइड किया, 5 आ गया आंसर, और फिर मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से, तो 3 5 15, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर 15। सिमिलरली अब 20 को पहले क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया, 20 / 5 क्या होता है 4, और जो 4 आंसर आया उसको फिर से किससे करना है, न्यूमिरेटर में जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 4 4 16, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है 15 - 16, ठीक है, 15 - 16 क्या होता है 1, और साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर के आगे जो साइन है वही साइन लगता है, दैट इज 16 के आगे क्या साइन था माइनस का, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग -1/20 एज आंसर। टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकेंड, इवेल्युएट -3 and -4/7। अब यहां पर देखो 3 आपके पास होल नंबर दे रखा है, तो हमने इसका डिनोमिनेटर क्या बना लिया 1, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग -3/1, फिर उसके बाद -4/7, 1 और 7 का एलसीएम क्या होता है 7 होगी। अब क्या करेंगे, 7 को 1 से डिवाइड किया, यू आर गेटिंग 7 एज आंसर, और मल्टीप्लाई किसे करना है -3 से। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, जब हमने कंपेयर किया 7/7 होगी 1, और ऊपर क्या जाएगा सेम नंबर -4 लिख दिया, तो 7 मल्टीप्लाई बाय -3 -21, उसके बाद -4, और दोनों को जब हमने ऐड किया लाइक साइंस है, माइनस और माइनस है, दैट विल बी प्लस, और साइन क्या आएगा माइनस का, -21 - 4, दैट इज -25/7 इज आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 14/15 - 13/20। अब यहाँ पर 15 और 20 का हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, दैट इज 5 से डिवाइड किया पहले, 5 3 15 5 4 20 होते हैं, अब इनको बाद में क्या कर दिया, सारे जो बचे हुए नंबर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई, सो व्हाट आर यू गेटिंग, 5 3 15 4 60 एज एलसीएम। अब सेम वे में हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 60, तो पहले क्या करेंगे 60 को 15 से डिवाइड किया तो क्या होता है 15 4 60 होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 4, और ऊपर न्यूमिरेटर में क्या था 14 14 मल्टीप्लाई बाय 4, एंड सिमिलरली 60 को 20 से डिवाइड किया तो क्या आ रहा है 23 60 होते हैं, यहाँ पर 3 लिखा और ऊपर से न्यूमिरेटर में क्या नंबर था 13 13 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब 14 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है 56, 13 को 3 से किया तो 39, दैट इज माइनस, ठीक है। अब एक प्लस का नंबर है एक माइनस का है, होना क्या है माइनस, 56 - 39 दैट इज 17, प्लस किया जाएगा क्योंकि बड़े नंबर का साइन क्या है प्लस का, दैट इज 17/60 एज आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 36/11 and 49/22 फ्रॉम द सम ऑफ 33/8 and -19/4। अब हमें क्या दे रखा है, इसके टू पार्ट्स हो जाएंगे, सम मतलब क्या होता है ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ ये और इसका सम किया, सम मतलब प्लस किया, उसके बाद दूसरे वाले क्या नंबर है 33/8 and 19/4 का भी सम निकालना, मतलब प्लस करना, फिर उसके बाद क्या करना है दोनों को आपस में माइनस, माइनस किसके, जिस कौन सा नंबर पहले लिखेंगे, जिस नंबर के आगे फ्रॉम लगा, इस नंबर ये वाला एडिशन जो आएगी उसके आगे फ्रॉम लिखा तो वो नंबर हमने पहले लिखना, और जो यहाँ पर ये वाली एडिशन है उसको बाद, तो लेट अस स्टार्ट डूइंग इट,
सम ऑफ द यहाँ पर फर्स्ट वाला क्या है माइनस 36 ओवर 11 एंड 49 ओवर 22. 11 और 22 का एलसीएम जो है 22 ही आएगा. ठीक है, उसके बाद 22 डिवाइडेड बाय 11 क्या होता है 2. तो 36 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 36 को 2 से किया, तो यू आर गेटिंग 72 माइनस. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 22 एंड 22 है, दोनों को कंपेयर किया, सेम न्यूमिरेटर का नंबर सेम रहेगा. अब माइनस 72 प्लस 49 किए तो आपके पास आ रहा है 23, और साइन क्या आएगा 72 के आगे जो नंबर था दैट इज 72 का साइन माइनस का था, तो बड़े नंबर का साइन लगता है माइनस 23 ओवर 22. अब नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है, इसको भी हमने प्लस करना है. 33 ओवर 8 प्लस माइनस, सम बोला है प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद माइनस 19 ओवर 4. ठीक है, आप ये ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, इससे और बेस्ट. ठीक है, अब हमारा क्या होगा, एलसीएम ले लिया, 4 और 8 का एलसीएम 8 ही रहेगा. फाइन, उसके बाद क्या किया, कंपेयर किया 8 को 8 से किया तो 1 होता है, दैट मीन्स ऊपर वाला न्यूमिरेटर सेम रहेगा, 33 ही रहेगा. उसके बाद 8 डिवाइडेड बाय 4 किया 2 आता है, 19 को 2 से किया मिलता है 19, 2 जा 38 किसके आएंगे माइनस, क्योंकि 19 के आगे कौन सा साइन है माइनस, तो अब माइनस कर दो 33 माइनस 38 दैट इज माइनस 5 ओवर 8. नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब देखो इस नंबर के आगे फ्रॉम लिखा था, ये वाला जो हमने ऐड किया है, तो ये इसका मतलब ये पहले लिखना है और ये वाली एडिशन बाद में, सब्ट्रैक्शन करनी है. ठीक है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, तो ये वाला पहले आया माइनस 5 ओवर 8. ठीक है, उसके बाद माइनस करना, माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्शन बोली है, उसके बाद माइनस 23 ओवर 22. अब माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और 8 और 22 का एलसीएम 88 आ रहा है. ठीक है, देन 88 आ गया तो ऑब्वियसली अब 88 डिवाइडेड बाय 8 क्या किया 11, 11 होता है तो 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू आर गेटिंग 11 5 का 55. सिमिलरली यहाँ पर क्या किया, 88 डिवाइडेड बाय 22 क्या होते हैं 4 होते हैं, तो 23 को जब हमने 4 से किया तो यू आर गेटिंग 92. 23 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 92, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हमने पहले करवा. ठीक है, अब एक आपका माइनस का साइन है, एक आपका प्लस का साइन है, होना क्या है माइनस और साइन बड़े नंबर का लग जाएगा, दैट इज 92 माइनस 55 के यू आर गेटिंग 37 ओवर 88 एज आंसर. फाइन, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज 4 ओवर 21, इफ वन ऑफ देम इज 5 बाय 7 फाइंड द अदर. आपके पास सम मतलब एडिशन, दो नंबर को जब, दो रैशनल नंबर्स को जब आपने ऐड किया तो आपके पास 4 ओवर 21 एज आंसर आ रहा है, और उसमें से एक नंबर आपको दे रखा है 5 बाई 7. यू नीड टू फाइंड द अदर रैशनल नंबर. अब जहां पर देखो हमें रैशनल नंबर दूसरा फाइंड आउट करना है, उसको हमने जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है या फिर हमेशा याद रखना, उसको हमने एक्स मान एज्यूम कर लेना, एज्यूम करके चलना है. ठीक है, तो आपको क्या क्या चीजें दे रखी हैं, पहले तो दे रखा है सम ऑफ द रैशनल नंबर 4 ओवर 21, उसमें से वन ऑफ देम इज 5 बाय 7 दे रखा है. ठीक है, लेट द अदर रैशनल नंबर इज इक्वल टू एक्स, ये हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया, अदर रैशनल नंबर भी एक्स मान लिया. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 82 मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द टू रैशनल नंबर इज दिस. अब ये दो नंबर हो गए, एक ये नंबर हो गया और ये भी हमने एक्स को भी हमने रैशनल नंबर मान लिया, तो मतलब 5 बाय 7 प्लस एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, दोनों का सम मतलब एडिशन 4 ओवर 12 के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, अब ये हमारा वेरिएबल है, इसको अलग रख दिया, एक्स को अलग रख दिया, जो कॉन्स्टेंट टर्म्स थी उसको दूसरी तरफ आपके राइट हैंड साइड पर ले गए. ठीक है, तो दैट इज 4 बाय 21, और ट्रांसपोजिशन करें तो ऑब्वियसली जो 5 बाय 7 के आगे प्लस का साइन था, इधर क्या हो जाएगा माइनस का साइन हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन में आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में गया, दैट इज माइनस 5 बाय 7. आप एलसीएम ले लिया 21 और 7 का, 21 एलसीएम हो जाता है. फाइन, अब क्या किया, 21 यहाँ पर 21 एंड 21 सेम थे, दैट मीन्स न्यूमिरेटर आपका सेम रहेगा, 4 रहेगा.
अब यहाँ पर 21 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 7 3 पे आता है, 7 3 का 21 होते हैं। उसके बाद जो 3 आंसर आया उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, तो 3 5 जा 15, तो यहाँ पर वी आर राइटिंग 15 एज आंसर। नाउ उसके बाद 4 माइनस 15 कर देंगे, 4 माइनस 15 क्या होगा, माइनस का 11। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है। माइनस 11 बाय 20 विल बी द अदर रैशनल नंबर, अदर रैशनल नंबर आपका दिया गया, अदर रैशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट करिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड बी एडेड टू गेट माइनस 3/8, व्हाट शुड बी एडेड टू माइनस 3/8 टू गेट 5/12। अब हमें क्या बोला है, हमें आंसर्स चाहिए, माइनस 3/8 में क्या ऐड करोगे कि आपके पास जो आंसर है 5/12 आना चाहिए, ठीक है। तो फिर से हमने अज्यूम कर लिया कि हमने x को ऐड कर दिया, लेट x बी एडेड इन द दिस माइनस 3/8 में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर लेंगे, माइनस 3/8 प्लस एक्स, आंसर क्या आ रहा है आपके पास 5/12। जो जो चीजें दे रखी है वो हमने लिख दी और जो एज्यूम किया था उसको भी लिख दिया, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली एक्स को अकेला कर देंगे, जो टर्म्स है कॉन्स्टेंट टर्म्स और उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, माइनस 3/8 था तो उधर शिफ्ट करके राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, ट्रांसपोजिशन करके प्लस 3/8 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, 5/12 प्लस 3/8, 12 जो डिनोमिनेटर से 12/8 उसका हमने एलसीएम ले लिया, दैट विल बी 24 एज एलसीएम, ठीक है। अब इसका 24 एलसीएम आ गया, उसके बाद हमें 24 डिनोमिनेटर चाहिए, 24 डिनोमिनेटर कैसे बनेगा, पहले कंपेयर करिए, 24 डिवाइडेड बाय 12 कर दो, डिनोमिनेटर में जो नंबर था उससे डिवाइड करो, ठीक है। क्या आया 24 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 टू जो 24 होते हैं, तो 2 आया आंसर। तो उसके बाद जो 2 आंसर आया उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 टू जो क्या होता है 10 होता है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर 24 है, 24 को 8 से डिवाइड कर दो, कंपेयर करिए, डिवाइड करिए, 24 डिवाइडेड बाय 8 क्या होता है 3 पर आता है, 3 8 24, 3 आंसर आया, उसको 3 से फिर से जो न्यूमरेटर में नंबर है 3 उसे मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, 10 प्लस 9 माइनस 19/24 एज आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल बी सेंडिंग यू होमवर्क आफ्टरवर्ड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।